नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में नवनीत JMH। सभी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों के जुड़े हुए मानदेय को लेकर। आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दें, आंगनबाड़ियों ने स्वयं नवनीत JMH को बताया हुआ है कि मानदेय कब तक आएगा, उनको ये जानकारी मिली है। आपको बता दें, उच्च सूत्रों से ये खबर मिली है कि आंगनबाड़ियों का वेतन कब तक आ जाएगा, और आप लोगों ने स्पष्ट तौर पर पढ़ा है कि आंगनबाड़ियों का वेतन के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए विभाग के पास बजट नहीं था, इसके बारे में जानकारी निकल कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर विभाग के लिए सरकार के पास बजट रहता है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए बजट का हमेशा अभाव रहता है, और इसी कारण से उनका मानदेय हर बार रुकता है या फिर दो दो तीन तीन महीने का डिले हो जाता है। आंगनबाड़ी बहनें परेशान हो जाती हैं कि आखिरकार उनका वेतन कब आएगा। अब ऐसी ही हाल में ही खबर निकली है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान के लिए सरकार के पास बजट ही नहीं था। अब बजट नहीं है तो फिर पैसे का कैसे भुगतान हो। आप लोग सभी जानते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार दोनों करती है अलग अलग तरीके से। अब सरकार के पास बजट नहीं था क्योंकि यह केंद्र की योजना है और सरकार अलग से बजट निकालती है, इसके लिए अतिरिक्त तौर पर बजट निकालती है। चूंकि यह राज्य और केंद्र के कर्मचारी नहीं है और इसी कारण से इनका अलग से बजट निकलता है, केंद्र सरकार अलग से निकालती है और राज्य सरकार अलग से, जिसके बाद भुगतान होता है। आपको बता दें, अब एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि यह बजट मिल गया है और इसी कारण से हमने खुशखबरी लिखी है। जैसे कि हमें जानकारी आंगनबाड़ी बहनों ने भी बताया है, उनके पास खबर आई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय के लिए विभाग के पास बजट नहीं था और बजट मिल गया है। आपको बता दें, नवनीत JMH लगातार आंगनबाड़ियों के हितार्थ खबरें उठाता रहेगा, सच्चाई बताता रहेगा। आप लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बैल को अवश्य दबाइएगा। आपको यह भी बता दें कि 27 जुलाई को एक महीने का मानदेय ट्रेजरी में लगा दिया गया है। दुख की बात यहां पर यह है कि आंगनबाड़ियों का 2 माह पूरा हो चुका और इसके बावजूद भी शासन ने कितनी बड़ी लापरवाही की है। लापरवाही ये की है कि जानकारी मिल रही है कि 27 जुलाई को एक महीने का मानदेय ट्रेजरी में लगाया गया, यानी कि 5500 रुपये। अब सवाल ये है कि सरकार ने एक महीने का मानदेय क्यों लगाया, 2 महीने का मानदेय क्यों नहीं लगाया, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार जब 2 माह पूरे होने जा रहे हैं, आंगनबाड़ी बहनों के लिए हमेशा बजट का अभाव रहता है, ये बहुत ही दुख की बात है। प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, आंगनबाड़ी बहनों के दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हैं वो, कोरोना काल में भी व्यापक तौर पर काम कर रही हैं, इसके बावजूद भी सरकार ने आखिरकार उनके बजट को क्यों रोका, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार अब बजट भुगतान के लिए पैसा नहीं था तो अब आंगनबाड़ी कर्मी एक महीने तक कैसे खर्चा चलाया होगा, ये सवाल कौन जवाब देगा इसके। बहुत ही अहम बात है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया, अपना काम बंद नहीं किया। अगर आंगनबाड़ी कर्मी आक्रोश व्यक्त कर देती और कोरोना काल में ड्यूटी करने से इनकार कर देती तो निश्चित तौर पर सरकार के पसीने भी छूट सकते थे, क्योंकि आपको बता दें, आंगनबाड़ियों के कंधे पर ही महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन जमीनी स्तर से जुड़ी है कर्मचारी किसी भी तरीके की हीलावाली नहीं कर रही हैं और लगातार इन्होंने काम किया और आज भी ये काम कर रही हैं, और इसको लेकर इनकी प्रशंसा हालांकि सरकार के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन इनके मानदेय के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि 27 जुलाई को एक महीने का मानदेय ट्रेजरी में लगा दिया गया है। आपको बता दें, ट्रेजरी में मानदेय लगाए जाने से ये नहीं होता है कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। आपको बता दें, इसमें भी कई प्रोसेस होती है, कई प्रक्रियाएँ होती है, जिसके बाद मानदेय का भुगतान आंगनबाड़ी कर्मियों के खाते में किया जाता है। अब सवाल ये भी आता है कि इनका मानदेय कब तक आएगा। आपको बता दें, 1 हफ्ते का समय और लग सकता है इनके मानदेय भुगतान होने के लिए, क्योंकि विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ ये मानदेय आता है और जब प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है तब इनके बैंक अकाउंट में मानदेय आता है। तो इसलिए संभावित है कि रक्षाबंधन के बाद ये मानदेय आएगा, लेकिन हम हमेशा यही मांग करें कि आंगनबाड़ियों का और बड़ा त्यौहार है, महिलाओं का बड़ा त्यौहार है, तो रक्षाबंधन के पहले ही मानदेय आना चाहिए। लेकिन सरकार के क्रियाकलाप इतने ढीले हैं कि आंगनबाड़ी बहनें परेशान हो गई हैं। अगर रक्षाबंधन का बड़ा पर्व गुजर जाता है उसके बाद मानदेय का भुगतान होता है तो निश्चित तौर पर दुख की बात होगी। सरकार को भी समझना चाहिए कि ये महिलाओं का त्यौहार है और निश्चित तौर पर इस त्यौहार पर मानदेय का भुगतान कर देना चाहिए, पहले से पहले कर देना चाहिए था, और लेकिन सरकार ने मानदेय का भुगतान नहीं किया। बहुत ही कम समय बचा है, रक्षाबंधन का बड़ा पर्व है और इसके पहले मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर इनका त्यौहार भी फीका जाएगा। आपको बता दें, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, कभी भी आंगनबाड़ियों के साथ अच्छा नहीं किया है। आपको ये भी बता दें कि आंगनबाड़ियों को लेकर कभी भी भुगतान नहीं हुआ है। ये तो छोटे त्यौहार हैं, रक्षाबंधन का पर्व इतना बड़ा त्यौहार नहीं माना जाता है, फिर भी चाहे मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ त्यौहार ईद हो, आपको बता दें बकरा ईद भी आ रही है हाल ही में, अगर वेतन भुगतान नहीं हुआ तो उसमें भी दिक्कत होगी। और एक ईद सिमई वाली होती है, और भी बड़े त्यौहार होते हैं, चाहे दीपावली हो, होली हो, बड़े पर्व रहते हैं, दीपावली होली पर भी इनका भुगतान नहीं होता है। सरकार इतनी लापरवाह है कि बड़े बड़े त्यौहारों में भी, बड़े बड़े पर्वों में भी इनका भुगतान नहीं करती है। आखिरकार कभी बजट का रोना, कभी विभिन्न कारणों का रोना, रोती रहती है। अब सरकार के आगे यह आंगनबाड़ी मजबूर हो चुकी है। आपको बता दें, आंगनबाड़ियों के बैनर, विभिन्न बैनर हैं, सीटू हो गया या फिर अन्य जो बैनर हैं, जो विभिन्न मजदूरों, आंगनबाड़ी वर्कर्स, रसोइयां और विभिन्न आशाकर्मियों को लेकर मांगे उठाता रहता है। आखिरकार जब उस संगठन ने देखा, आपको बता दें संयुक्त मोर्चा है, विभिन्न मोर्चा जो है, विभिन्न मोर्चाओं का संगठन बना हुआ है, इस संगठन ने ऐलान कर दिया है कि भाई
अगस्त माह में विशाल प्रदर्शन करने जा रहा है और आपको ये भी बता दें नियमों का पालन के तहत ही प्रदर्शन किया जाएगा। ये जानकारी निकल कर आई है, WHO ने जो नियम जारी किए हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का, ये पहनकर प्रदर्शन किया जाएगा ये कहना है। लेकिन आंगनबाड़ियों सहित अन्य जो मानदेय कर्मी है उनकी समस्याओं को बुलंद किया जाएगा, उनकी मांगों को बुलंद किया जाएगा, इसका ऐलान हो चुका है। सरकार किसी की भी आ जाए लेकिन हालत किसी की सुधरने वाले नहीं है। अब एक नियम ऐसा होना चाहिए, जितनी घोषणाएं सरकार चुनाव के समय करती है एक लिखित तौर पर, निश्चित तौर पर जो लिखित तौर पर एग्रीमेंट करे अगर वह सत्ता में आती है तो जनता के लिए ऐसा करेगी, चाहे वह आंगनवाड़ियों की मांगे हों या फिर विभिन्न प्रकार की घोषणाएं हों। निश्चित तौर पर जब तक ये घोषणाएं लिखित तौर पर नहीं की जाए और एक एक कॉपी जनता को दी जाए, अन्यथा की स्थिति में उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सके, ऐसा नियम बनना चाहिए। अगर आप लोग सहमत है तो कमेंट में यह जरूर लिखिएगा और लाइक करिएगा, ताकि ये सब जो पार्टियों के नेता हैं अपने वादे से मुकर ना पाएं, सत्ता में आने के बाद अपनी मांगों को, अपनी बातों को जमीनी स्तर पर पहुंचाएं और जो मांगे घोषणाएं की थी चुनाव से पहले उन घोषणाओं को पूरा करें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ियों के लिए सरकार ने घोषणा की थी, सरकार ने कहा था कि हम आंगनबाड़ियों का मानदेय अच्छा खासा करेंगे सत्ता में आए। अच्छा खासा तो दूर की बात, आंगनबाड़ियों का मानदेय भुगतान तक नहीं हो रहा है, भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी हैं और इसके बावजूद भी सरकार कोरोना संकट में जहां पर लाखों रुपया पानी की तरीके से प्रचार और प्रसार में बहा रही है, लेकिन आंगनबाड़ियों के जिम्मे जो अहम जिम्मेदारी है उनका वेतन तक भुगतान नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। प्रचार प्रसार में लाखों करोड़ रुपए बहा दिए गए हैं और लगातार बहे जा रहे हैं। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मी अगर बहिष्कार कर देती हैं कोरोना ड्यूटी का तो निश्चित तौर पर सरकार के आगे एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि आंगनबाड़ियों को अतिरिक्त तौर पर भत्ता भी दे दे जो ड्यूटी कर रही हैं। आपको बता दें 5,000 ना सही तो कम से कम 1 या 2,000 जरूर देना चाहिए ये आंगनबाड़ी वर्कर जो काम कर रही है, निश्चित तौर पर उनका मनोबल ना टूटे। हमने JMH न्यूज़ चैनल पर भी एक खबर आपको दिखाई थी, उस खबर में बताया था कि मरने के बाद आंगनबाड़ी कर्मी को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, नौकरी भी दी जाएगी, लेकिन जब जीवित रहती है आंगनबाड़ी तो उसकी दशा दयनीय होती है और 5,000 रुपए नहीं मिलते हैं और कहां 50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आंगनबाड़ियों को अगर अच्छा चाहिए है, पैसा चाहिए, तो उसको मरना पड़ेगा। सवाल ये बड़ा है, आंगनबाड़ियों के प्रति सरकार का नरम रवैया क्यों देखने को नहीं मिलता है? आंगनबाड़ी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को भी नौकरी दे रहे हैं, आंगनबाड़ियों के घरवाले को भी नौकरी दे रहे हैं, जब तक आंगनबाड़ी जीवित है तब तक वह भुखमरी की कगार पर रहती है, अपना पेट पालने के लिए उसके पास रुपए नहीं रहते हैं, मजदूरों से बुरी स्थिति है। आपको बता दें कोर्ट ने भी ये माना है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का जो वेतन है मजदूरों से बुरी स्थिति में मिल रहा है, मजदूर भी रोजाना 500 से 600 रुपए कमा लेते हैं लेकिन आंगनबाड़ियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कई राज्यों में आंगनबाड़ियों की स्थिति बहुत दयनीय, कई राज्यों में थोड़ा बहुत वेतन अच्छा खासा मिल रहा है, वो भी देन है राज्य सरकारों की, विभिन्न राज्य सरकारें जो आंगनबाड़ियों के हितार्थ काम कर रही हैं, कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्य स्तर से आंगनबाड़ियों का वेतन बढ़ाया है, लेकिन आंगनबाड़ियों की स्थिति कहीं अच्छी नहीं है ये भी कहा जा सकता है। आपको बता दें आंगनबाड़ियों के मानदेय में जरूर अंतर देखा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में 5,500 मिलते हैं तो वहीं मध्य प्रदेश में इसके दुगना मानदेय मिलता है, और इसी के साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सरकार का वादा भी हवा हवाई साबित हुआ है। 1 साल से 1.5 साल से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश की जो है अपने वादे पर अमल नहीं कर पाई। दिवाली में कहा गया था प्रोत्साहन राशि जो 1500 रुपए तक बढ़ाई गई है उसका भुगतान किया जाए, उसका भुगतान नहीं किया गया, और इसी के साथ ही कहा गया था होली तक भुगतान कर दिया जाए, लेकिन अधिकारी कितने ज्यादा निकम्मे, मैं यहां बोलूंगा कि आंगनबाड़ियों के प्रति नरम रवैया इनका देखने को ही नहीं मिलता है। इस खबर को बहुत ही ज्यादा शेयर करिएगा और प्रत्येक आंगनबाड़ी वर्कर समस्याओं को लेकर हम उठाते रहेंगे। नवनीत JMH को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइएगा। अधिकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं, टेंडर के मामले में कितना बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला था निदेशालय स्तर पर, और टेंडर जारी करने में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिलती है और टेंडर उन्हीं को दिया जाता है जिनसे सेटिंग गेटिंग होती है। इस मामले में DPO निपट चुके हैं और उन्हें सस्पेंड किया गया था, आपको ये खबर भी हमने दिखाई थी। यहाँ तक कि डायरेक्टर जो है बड़े स्तर का अधिकारी होता है डायरेक्टर, इनको भी हटाया गया था, सारा का मोहन नई डायरेक्टर बनी है, अब इनसे उम्मीद की जा रही है कि कुछ आंगनबाड़ियों का भला करेंगी। आपको बता दें पूर्व के दिनों में विभिन्न संगठन आंगनबाड़ियों के इनसे मिलने गए हैं, आंगनबाड़ियों को समस्याओं से भी अवगत कराया है, लेकिन ये निदेशक भी अभी फिस्सी साबित हुई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी जमीनी स्तर पर आंगनबाड़ियों के प्रति कोई भी नरम रवैया नहीं अपनाया है और विभिन्न मांगों को लेकर जो सहमति पूर्व में बनी है उसको लेकर भी अभी तक जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। आंगनबाड़ियों के डायरेक्टर और महिला होने के नाते इनका भेदभाव तब भी खत्म नहीं होता है। निश्चित तौर पर डायरेक्टर को चाहिए कि एक महिला होने के नाते महिला का दुख दर्द समझे, लेकिन दुख दर्द नहीं समझ रही है निश्चित तौर पर। आपको बता दें आंगनबाड़ियों के जो बाबू हैं निदेशालय में कई सालों से जमे हुए हैं और भाई अभी तक ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, आखिरकार क्यों? एक महीने से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, उनका ट्रांसफर लेटर जारी हो गया था कि वह विभिन्न जिलों में जाएं, लेकिन मलाईदार कुर्सी पाने के कारण से वह निदेशालय से हटने का मन नहीं बना रहे हैं और इन्हीं बाबुओं के कारण से निश्चित तौर पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। अंदरूनी तौर पर निदेशालय और ICDS विभाग में बड़ा पैमाने का भ्रष्टाचार है क्योंकि
बच्चों को शिक्षित करने से लेकर अन्य विभिन्न प्रकार की योजनाएं आईसीडी विभाग के तहत क्रियान्वित होती हैं और सभी जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का काम आंगनबाड़ी करती है, लेकिन इनका काम आज भी सरकार इन्हें सिर्फ अतिरिक्त वर्कर मानती है। राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया, केंद्र कर्मचारी का दर्जा नहीं किया गया, इनको अतिरिक्त वर्कर मानती है और अतिरिक्त वर्कर के हिसाब से इनका मानदेय भुगतान होता है। कहीं ना कहीं ये भी मानना होगा कि आंगनबाड़ियों के संगठन और आंगनबाड़ियों की जो एकजुटता है उसमें कमी है, क्योंकि आंगनबाड़ियों के संगठन विभिन्न प्रकार के हैं, आंगनबाड़ियों के संगठन में भी एकता नहीं है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन आंगनबाड़ियों का जब जब प्रदर्शन हुआ तब तब उतनी भीड़ नहीं देखने को मिली है। फिलहाल तो कोरोना वायरस चल रहा है और इस कारण से प्रदर्शन अलाउ नहीं है। खैर, 9 अगस्त को और अन्य तारीखों को प्रदर्शन का ऐलान किया है सीटू और अन्य संयुक्त मोर्चा के संगठनों ने। अब देखने वाली बात है उसमें भीड़ जुटती है या फिर किस तरीके से प्रदर्शन होता है। हालांकि संयुक्त मोर्चा का यह भी कहना कि वे नियम का पालन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, आंगनबाड़ियों की समस्याओं को उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, इस समय बहुत ही जरूरी है और सरकार को जगाना भी बहुत जरूरी है, सरकार को एहसास कराना भी बहुत जरूरी है कि आज कोरोना के समय में भी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने वादे पर मुकरे नहीं है कि जब उनकी जान पर भी बनाई है फिर भी वह अपना काम कर रहे हैं, लगातार ड्यूटी और सर्वे का काम कर रहे हैं। और विभिन्न आंगनबाड़ियां उत्तर प्रदेश से हो या फिर विभिन्न राज्यों से हो संक्रमित हुई है, आंगनबाड़ियों के परिवारजन जो घर वाले भी संक्रमित हुए, इसके बावजूद भी वह कोरोना ड्यूटी से नहीं मुकर रही है। आपको बता दें विभिन्न आंगनबाड़ियों की मौतें भी हो गई इस दौरान, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ियों ने ड्यूटी से मना नहीं किया है, लगातार कर रही है। सुरक्षा का अभाव है, उनको सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं, फिर भी वह काम कर रही है, खुद के मास्क सिल के काम कर रही है। और यहाँ तक कि एक भी खबरें आई हैं कि आंगनबाड़ियों ने अपने पैसों से मास्क बनाए हैं और मास्क जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दान किए हैं, ये भी खबरें हमने लगातार आपको जेएमएच न्यूज पर दिखाई हैं। और आंगनबाड़ियों ने कई हितार्थ काम किए जो काफी गौरवान्वित करने वाली बात होती है, लेकिन सरकार के अधिकारी मोटी मोटी रकम पाने के बाद भी यह गौरवान्वित करने वाला काम नहीं करते हैं, जो काफी दुखद है। आंगनबाड़ियों के हितार्थ हम खबरें सच्चाई को बताते रहेंगे। नवनीत जेएमएच को पहली बार आए सब्सक्राइब करके बैल को दबा लीजिए, ऑल कर लीजिए। ये मांगे ऐसी हैं क्योंकि जो जायज मांगे उनको हम लगातार बता रहे हैं और इन वर्कर्स का हितार्थ जरूर सरकार को सोचना चाहिए। आपको बता दें जेएमएच न्यूज चैनल पर हम लगातार 3 साल से आंगनबाड़ियों की मांगे उठाते रहे, समस्याओं को बताते रहे। आपको बता दें इससे पहले आंगनबाड़ियों की खबरों को कोई नहीं उठाता था यूट्यूब के माध्यम से, और लेकिन जेएमएच न्यूज चैनल ने जब से आंगनबाड़ियों खबरें उठाना शुरू करी उसके बाद विभिन्न चैनलों ने भी आंगनबाड़ियों की खबरों को उठाना शुरू किया। आपको बता दें सबसे पुराना चैनल रहा जेएमएच न्यूज, जिसने आंगनबाड़ियों की खबरों हितार समस्याओं को उठाया, चाहे वह पुष्टाहार सिर पर ले जा रही हो, चाहे उनके पास मानदेय नहीं आया हो, चाहे वर्कर के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगते हो, सभी समस्याओं को लेकर हमने आवाज़ उठाई है, विभिन्न मांगों को विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाया है और जो आंगनबाड़ियों पर भ्रष्टाचार होता है वह भी दिखाया है, सबको सच्चाइयां बताई और आज भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। आपको बता दें जेएमएच न्यूज़ चैनल किसी बड़े हैकर ने विदेश में बैठकर हैक कर लिया है, जिस कारण से जेएमएच न्यूज़ चैनल आंगनबाड़ियों की खबरें उस चैनल के माध्यम से नहीं उठा पा रहा, फिर भी हमने आंगनबाड़ियों की खबरें उठाने के लिए नवनीत जेएमएच चैनल बनवाया है और इस चैनल के माध्यम से हम आंगनबाड़ी बहनों की खबरों को उठा रहे हैं। हम ये रुकेंगे नहीं, चाहे जितना हैक कर लिया जाए, चाहे कुछ कर लिया जाए, लेकिन आंगनबाड़ियों की खबरों को लगातार उठाते रहेंगे। बस आप लोगों का दायित्व है कि इस खबर को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा ताकि हम ऐसी ही खबरें उठाते रहें और आपके हितार्थ, आपकी जो मांगे हैं उनको सरकार तक पहुँचाते रहे। आपको करना क्या, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए और इस खबर को लाइक करिए और इसी के साथ ही चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप अभी तक जुड़े रहे उसके लिए। मिलते हैं आज से लाइव और लेटेस्ट अपडेट में फिर से। नमस्कार।